आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है ये जो है गोभी और गाजर, ठीक है। मैंने आधा गोभी और एक दो गाजर लिया है, ठीक है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें जो है हम बाकी के सामान जो है वो ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड करना है अभी जो है ये काली मिर्ची का पाउडर मैं ऐड कर दूँगी इसमें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना। मैं इसमें से जो है पानी नहीं निकाल रही हूँ। कोई कोई जो लोग हैं इसमें से यानी गाजर और गोभी का जो है पानी निकाल देते हैं कपड़े में मसल कर, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 चम्मच जो है मैदा और 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करूँगी। आपको जो है ज़रूरत के हिसाब से इसमें ना कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना है, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको सबको हम जो है अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। तो चमचे से ये मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से, मैं हाथ से कर दूँगी इसको अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा और ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी अच्छे से कर दूँगी मिक्स। तो ये डिपेंड है कि ये आपको कितना लगेगा वो हिसाब से आपको कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है लेना है। तो जब ऐसा बॉल जो है ना आप जैसे हाथ में लो, देखो अभी समझो आप ये हाथ में ले रहे हो, अगर ऐसे जो है इसका जो एक गोला बन जाए यानी एक बॉल बन जाए ना, तो ये हो गया है, ठीक है। इसमें और मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो है मंचूरियन के लिए बैटर तैयार हो गया था। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, पैन को मैं कर दूँगी गरम। उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। अब तेल गरम होने के बाद उसमें हम जो है एक एक करके गोला बना के जो है मंचूरियन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तेल गरम हो गया है। मैं ऐसे जो है आपको गोले बनाने हैं एक एक करके मंचूरियन के और छोड़ देने हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप मंचूरियन को फ्राई करें तो पैन जो है यानी जो फ्लेम जो है इसकी गैस की फ्लेम, गैस की आँच जो है उसको मीडियम टू स्लो आँच पे आपको जो है इसको फ्राई करना है। तो आप इसको जो है मीडियम आँच पे गरम करना और फिर फ्राई करना ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर से भी, ठीक है, और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो जब ये एक साइड से पकने लगेगे ना तो आपको इसको ऐसे उल्टा देना है, ठीक है, ताकि दूसरे साइड से भी ये पक जाए, ठीक है, फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं सारे ऐसे जो है सारे मंचूरियन को ऐसे पलट दूँगी और इनको हम होने देंगे फ्राई। तो हमको देखो एक सुनहरा रंग चाहिए इसका, देखो ऐसे हमको इसका सुनहरा रंग चाहिए। तो अब ये हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैं इसको थोड़े देर के लिए और पकाऊंगी और फिर इनको हम निकाल लेंगे। इसको ऐसे चलाते रहना है ताकि ये हर साइड से जो है पक जाए और क्रिस्पी हो जाए हर एक साइड से। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसको हम अपना जो है प्लेट में निकाल लेंगे, ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पके हैं तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप पका सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, 10 से 15 मिनट में ये हो जाते हैं सारे। तो ये हो गए हैं, मैंने सारे के सारे जो है मंचूरियन फ्राई करके एक इसमें प्लेट में निकाल लिए। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ये हमने फ्राई किए हुए मंचूरियन है, ठीक है, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये कॉर्नफ्लावर है, ये है काली मिर्च का पाउडर। इसमें मैंने लिया है मिर्ची बारीक काट के, लहसुन, हरा प्याज और उसके पत्ते, हरा प्याज के पत्ते इसको काट लिया है बारीक बारीक। ये गोभी है, लंबी लंबी शिमला मिर्च काट के ली है मैंने। एक प्याज काट के लिया है और एक गाजर लंबी लंबी काट ली है। सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड सॉस और विनेगर, ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। सेम पैन लिया है मैंने, उसमें से जो है तेल निकाल लिया है और जितना तेल मुझे चाहिए था मैंने उतना तेल इसमें रखा है। और इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने कट करके लिए थे लहसुन और मिर्ची, ठीक है, हरी मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे, ओके। तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हो, मेरे घर पर अदरक अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं ऐड नहीं किया। तो आप अदरक भी ऐड कर देना अगर आपके पास हो। तो इसमें जो है हमने बारीक काट कट किया हुआ ना कांदा था यानी प्याज था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हमको पूरा नहीं पकाना है, ठीक है, 30 सेकेंड कांदा जो है यानी प्याज जो है उसको फ्राई करने के बाद इसमें हमने ऐड कर दी है गाजर और हमारी शिमला मिर्ची। गाजर और शिमला मिर्ची को 30 सेकेंड भूनने के बाद उसमें हमने ऐड कर दिया हमारा गोभी पत्ता ऐड कर दिया, ठीक है। इसको भी हम 30 से 50 सेकेंड के लिए भूनेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक को अच्छे से इसमें जो है मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, ओके। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो ये आप स्किप कर सकते हो। काली मिर्ची का पाउडर को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। 1 से 2 चम्मच हमको लेना है यहाँ पे जो है रेड सॉस, रेड चिली सॉस, ठीक है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं। 1 से 2 चम्मच हम लेंगे ये जो है ग्रीन चिली सॉस, फिर 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर, ठीक है। ये सबको जो है मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी इसमें और इसको हम कितना 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे, ठीक है। इसको हमको पूरी प्रोसेस जो है ये सॉस बनाने की पूरी हाई फ्लेम पे हो रही है, स्लो फ्लेम नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये फटाफट
फटफट फटफट ऐसे करते जाना है, ठीक है, इसको रोकना नहीं है बिल्कुल भी बीच में। और ये देखो ये अच्छे से 1 मिनट के लिए भून गए हैं, तो इसको 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो पानी इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना थिक या फिर कितना पतला या फिर कितना गाढ़ा सूप चाहिए, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से पानी जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, आपके हिसाब से करना। मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया 1 चम्मच जो है अपना टमाटो सॉस, ठीक है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो ऐड करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे देखो इसमें उबाल आ गया है पानी में, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर में आपको जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से उसका घोल बना के फिर इसमें डालना है, और कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना, मैदे का यूज़ मत करना, आपका सूप जो है बिगड़ जाएगा अगर आप मैदा यूज़ करोगे तो, ठीक है। कॉर्नफ्लावर यानी मक्के का आटा जो होता है उसका ही यूज़ आपको करना है। ये देखो हमारे जो सूप में है अच्छी थिकनेस आ गई है, मुझे ये इतना ही थिक चाहिए, आप इससे पतला भी कर सकते हो। इसमें मैं ऐड कर दूंगी मंचूरियन, मंचूरियन को मैं अच्छे से सूप में कर लूंगी मिक्स, और इसको हम पकाएंगे 5 मिनट तक, ठीक है, ताकि जो है थोड़े जो मंचूरियन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, अंदर से। तो ये देखो इसको मैं 5 मिनट को पका 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर हम इसकी जो है फ्लेम बंद कर देंगे। ऊपर से हम जो है हरा प्याज डालेंगे और हरे प्याज के पत्ते हम इस पर डाल के ये हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो इतना आसान है ये सूप को घर पे बनाना। ये पतला गाढ़ा आप पे डिपेंड है कि आपको इसको कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है। मैं इतना ही इसको जो है इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहती हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, इससे ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया, देखो, तो इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है, ठीक है। और ये देखो हमारा मंचूरियन सूप हो गया है रेडी। आप इसको जो है और जैसे कि ठंडी का महीना होता है तो गरम गरम सूप आप घर पे बैठ के बना के पी सकते हो, ठीक है, और या तो फिर अभी बारिश का मौसम चालू है तो उसमें भी आप ये पी सकते हो, अरे कभी भी बना के पी सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका, ठीक है। जब आपका मन चाहे आप बनाना खाना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, इसी तरीके से जो है बाहर भी मंचूरियन सूप बनता है, तो आप ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, तो फिर आओ खाने।